मैं राजेश, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने से दिल्ली में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। संक्रमण से बचने के लिए सरकार लोगों से बार बार एहतियात बरतने की भी अपील कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ना सरकार और आसपास के इलाके के लिए चिंता का विषय है। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में 43 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। पहले ही दिल्ली सरकार ने इलाके के बी और सी ब्लॉक को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से दिल्ली सरकार ने जहांगीरपुरी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जहांगीरपुरी इलाके में बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जहांगीरपुरी पुलिस थाने में भी कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी की संख्या मिली, जो कि सभी के लिए चिंता का विषय है। पेश है दिल्ली से राजीव तिवारी की खास रिपोर्ट। अजय कुमार गुप्ता। अजय जी, जहांगीरपुरी रेड जोन में आ चुका है और अभी के मामला 43 आ चुका है जहांगीरपुरी एचसीबी पे, आज तो क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सरकार इस पे और सख्ती दिखाए और जो ना माने उस पे सख्त कार्रवाई करी जाए। तो क्या लग रहा है कि इस व्यक्ति को चाहे एक बीवी का जो मामला है, क्या उस एरिया का सील किया गया है या नहीं? नहीं, उस एरिया को भी सील किया गया है जिसमें 43 केस निकले हैं अभी, और हम चाहते हैं ये जितने भी जो हैं उन पर सख्त कार्रवाई और सख्त जगह सील करा जाए ताकि पब्लिक और रुक सके इस तरीके से। तो क्या लग रहा है कि इस बिहेव पे जो जहांगीरपुरी एरिया रेड जोन में आ चुका है, क्या यहाँ के प्रशासन और क्या वॉलंटियर का ठोस कदम उठा रहे हैं? भाई, वॉलंटियर प्रशासन बहुत सख्त कदम उठा रहा है, फिर भी पब्लिक इस तरह को समझ नहीं रही है। अभी इसको मजाक में लिया जा रहा है। तो पब्लिक को क्या संदेशा देना चाहते हैं? पब्लिक को ही हम संदेशा देना चाहते हैं कि वो अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सार्थक है और मैं बी ब्लॉक जहांगीरपुरी में रहता हूं। सार्थक जी, जो अभी जहांगीरपुरी में 43 जो मामले आए हैं, ये जहांगीरपुरी रेड जोन में आ चुका है, यहाँ का किस तरह से व्यवस्था की गई है? जी सर, यहाँ के किस तरह से व्यवस्था की गई है? ये व्यवस्था तो सरकार द्वारा और जो हमारी पुलिस और हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर है उनके द्वारा बहुत अच्छी सुरक्षा की गई थी, लेकिन लोग यहाँ की जनता थोड़ी सी नहीं मान रही है। वो लोग अभी इस कोरोना महामारी को थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, तो इस वजह से बाकी सब कुछ एरिया में बिल्कुल भी सही तो अपनी सुरक्षा है इनके द्वारा, बट लोग नहीं मान रहे हैं बिल्कुल भी। तो जो पब्लिक नहीं मानती उनके लिए ठोस कदम किस तरह से उठाया जा रहा है? ठोस कदम मैं सबसे विनती करूंगा अपने SHO साहब से, हमारे SDM साहब और DM से, कि इन सब पे जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करें उन सब के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ पर सील हो गया है, यह हमारा जो जहांगीरपुरी इस टाइम रेड जोन में है और बिल्कुल भी बाहर ना निकले, घर में रहें और सुरक्षित रहें। जो पब्लिक ज़्यादा ही बात नहीं मानती है, जो घरों से निकलती है बिना मतलब के निकलते हैं, उन पर क्या कहना चाहते हैं? उन पर उचित कार्रवाई करें, उन पर FIR दर्ज करें और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उनको अगर ज़्यादा अगर वो लोग नहीं मान रहे तो उनको अरेस्ट भी कर लेना चाहिए।